आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल AS टेक्निकल मित्रा में। दोस्तों, PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ ताज़ा अपडेट आपके सामने लेके आ गया हूँ। तो इस बार PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को जो अगली किस्त का पैसा यहाँ पर मिलने जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर दोस्तों 17वीं किस्त का पैसा अब सभी उन किसान भाइयों को मिलेगा जिन लोगों ने पिछली बार 16वीं किस्त का लाभ लिया है। तो उन लोगों को यहाँ पर दोस्तों सरकार द्वारा दो हज़ार रुपये का जो धनराशि है वो उनके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा, और जिन लोगों को 2000 रुपये की 16वीं किस्त का पैसा अभी तक नहीं मिला है उन लोगों को इस बार एक साथ 4000 रुपया सरकार द्वारा भेजने का जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। तो 4000 रुपया दोस्तों किन लोगों को मिलेगा और 2000 रुपये किन लोगों को मिलेगा, तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, जो ताज़ा अपडेट अभी यहाँ पर सामने निकल के आ रहा है वो PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत निकल के आ रहा है। जैसा कि दोस्तों जिन लोगों का अभी EKYC कंप्लीट नहीं हुआ है तो उन्हें इस बार भी जो 2000 रुपये की रकम है वो यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो जिन लोगों का पैसा दोस्तों पिछली बार रुका हुआ था तो उन लोगों का EKYC यहाँ पर कंप्लीट नहीं था, या फिर आप कह लें यहाँ पर दोस्तों लैंड शेडिंग की भी यहाँ पर दोस्तों काफ़ी प्रॉब्लम देखने को जो है मिली थी, इस कारण भी उन लोगों का पैसा इनके अकाउंट में नहीं पहुँचा था। तो अगर आपका EKYC दोस्तों कम्प्लीट हो गया है तो आपको यहाँ पर 4000 रुपये मिलने जा रहा है, जैसा कि दोस्तों 2000 पिछली किस्त का मिलेगा, 2000 इस किस्त का मिलेगा, यानी 16-17वीं का पैसा आपको एक साथ यहाँ पर 4000 रुपया सरकार जो आपके खाते में डालने जा रही है, जिससे किसान भाइयों की यहाँ पर लॉटरी लगने जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट दोस्तों ये है कि जिन लोगों का यहाँ पर PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उनको भी यहाँ पर अब 2000 रुपया सरकार यहाँ पर डालने की योजना बना रही है। जैसा कि अभी यहाँ पर दोस्तों PM किसान सम्मान निधि योजना में जिन लोगों ने न्यू रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें यहाँ पर दोस्तों अपना आधार EKYC कराना अति आवश्यक रहेगा, क्योंकि फॉर्म यहाँ पर दोस्तों जिन लोगों का पेंडिंग है वो यहाँ पर अप्रूव होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों काफ़ी समय से कुछ लोग रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो उस कारण दोस्तों उनका पैसा अभी तक नहीं मिला है, उनका फॉर्म अभी पेंडिंग में चल रहा है। अब सरकार द्वारा दोस्तों बहुत ही जल्दी यहाँ पर फॉर्म जो पेंडिंग से अप्रूव होना यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं और उन्हें यहाँ पर दोस्तों जल्द ही अगली किस्त में 2000 रुपये की जो धनराशि है वो यहाँ पर मिलने जा रही है। तो दोस्तों, आपने अभी तक अगर अपना EKYC कंप्लीट नहीं कराया तो अवश्य करा लें। तो जैसा कि दोस्तों जिन लोगों ने न्यू रजिस्ट्रेशन कराया है तो उन लोगों को दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, अपना जो स्टेटस है दोस्तों वो यहाँ पर अपने पोर्टल पर आकर चेक कर लेना है। जैसे कि दोस्तों आप pmkisan.gov.in यहाँ पर दोस्तों गूगल ब्राउज़र में डालेंगे, इस प्रकार का पेज यहाँ पर खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर दोस्तों नीचे आना है फार्मर कार्नर में, फार्मर कार्नर में आप दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा EKYC, इसके दोस्तों बगल में आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके बाद यहाँ पर स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर CSC, तो इसी वाले ऑप्शन पर दोस्तों हमें टच करना है। हम यहाँ पर दोस्तों टच कर देते हैं। अब यहाँ पर पेज कुछ इस प्रकार से दोस्तों ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको जो आधार कार्ड का नंबर है दोस्तों वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर दोस्तों डालेंगे, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर दोस्तों 12 डिजिट का एंटर हमने कर दिया। इसके बाद चूंकि अब चेक कोड है यहाँ पर दोस्तों वेरिफिकेशन कोड वो यहाँ पर दोस्तों डालना रहेगा, तो वेरिफिकेशन कोड भी हम यहाँ पर दोस्तों डाल देते हैं। इसके बाद एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक किया दोस्तों यहाँ पर जो स्टेटस है दोस्तों वो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं।
जैसा कि यहाँ पर दोस्तों अभी स्टेटस अभी जो दिखा रहा है दोस्तों स्टेटस वेरीफाई बाय सब डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहाँ पर दोस्तों अभी फॉर्म हमारा दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अभी पेंडिंग है और यहाँ पर दोस्तों रिजेक्ट अभी नहीं है दोस्तों, रिजेक्ट पहले था तो हमने यहाँ पर दोस्तों भूले खतौनी अपलोड करने के बाद में फॉर्म यहाँ पर जो है ओके कर दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, किसी प्रकार का दोस्तों प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।